हेलो लर्नर, वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज। इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को जहाँ पे छोड़ा था, जब हमने नेचर किया था और एस्टिमेटर कैसे होते हैं और फिर हम स्ट्रक्चरल टू रिड्यूस कैसे आते हैं, फिर उसके बाद हमने किया था ओवर आइडेंटिफाइड, जस्ट आइडेंटिफाइड और अंडर आइडेंटिफाइड इक्वेशन। तो उसके बाद हम करते हैं, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, रैंक और ऑर्डर कंडीशन वाला था, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर कंडीशन। तो ऑर्डर कंडीशन पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछता है तो हम ऑर्डर कंडीशन के से ही हम उसे सॉल्व करते हैं। तो ऑर्डर कंडीशन में एक क्वेश्चन पूछता है, जो अभी अभी हम स्टार्ट करते हैं, पूछता है ट्रू और फॉल्स में अननेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडीशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोन एज द ऑर्डर कंडीशन। पूछता है कि ऑर्डर कंडीशन इज अ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, और इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशियंट कंडीशन, इज नॉट अ नेसेसरी बट अ सफिशियंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूछता है, फिर मे बी स्टेट इन टू डिफरेंट बट इक्विवेलेंट वे एज फॉलो। तो हम इसकी डिफिनेशन करते हैं। फर्स्ट डिफिनेशन है, इन अ मॉडल ऑफ एम साइमल्टेनियस इक्वेशन इन ऑर्डर ऑफ एन इक्वेशन टू बी आइडेंटिफाइड इट मस्ट एक्सक्लूड एटलीस्ट एम माइनस वन वेरिएबल एंडोजेनियस एज वेल एज प्री डिटरमाइन वेरिएबल। हम इसको बाद में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे एक अपियरिंग इन द मॉडल इट इफ़ इट एक्सक्लूड एग्जैक्टली एम माइनस वन वेरिएबल द इक्वेशन इज जस्ट आइडेंटिफाइड, इट एक्सक्लूड मोर देन वन देन इट इज ओवर आइडेंटिफाइड। अगर हमारा वही बता रहा है कि अगर हमारा ऑर्डर कंडीशन में हमें सफिशियंट करना है, तो हम जो इंडोजीनियस वेरिएबल होते हैं एम माइनस वन हम एक्सक्लूड करते हैं। ये भी पेपर में पूछता है कि हम कितना एक्सक्लूड करते हैं, इट मस्ट एक्सक्लूड एटलीस्ट एम माइनस वन वेरिएबल, ये पूछता है पेपर में ट्रू और फॉल्स में ऐसे ही करके या ऑप्शन में दे करके पूछता है। तो हम यहाँ करेंगे कि इंडोजीनियस वेरिएबल को हम एक्सक्लूड करते हैं एम माइनस वन, अगर हमारा एम इंडोजीनियस वेरिएबल है तो। अगर एम माइनस वन एक्सक्लूड करने पे हमारा इक्वेशन जो है प्री डिटरमाइंड और इंडोजीनियस का बराबर आएगा तो हम इक्वल कर देंगे, तो वो हमारा जस्ट और एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हो जाएगा। और अगर इफ मोर देन एम माइनस वन इट इज ओवर आइडेंटिफाइड, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं, इन अ मॉडल ऑफ एम साइमल्टेनियस इक्वेशन इन ऑर्डर फॉर एन इक्वेशन टू बी आइडेंटिफाइड द नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल एक्सक्लूड फ्रॉम द इक्वेशन मस्ट नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ इंडोजीनियस वेरिएबल इंक्लूड इन दैट इक्वेशन लेस देन वन, दैट इज के माइनस स्मॉल के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम माइनस वन। इफ के इक्वल्स टू के माइनस के इक्वल्स टू एम माइनस वन द इक्वेशन इज जस्ट आइडेंटिफाइड, बट इफ़ के माइनस स्मॉल के इज ग्रेटर देन एम है इट इज ओवर आइडेंटिफाइड। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। जो हमारा कैपिटल के है वो है हमारा एक्सोजीनियस वेरिएबल इन द मॉडल, कि हमारा जो मॉडल है जिसमें तीन से चार इक्वेशन या दो से तीन है, तो उसमें कितने एक्सोजीनियस वेरिएबल हैं पूरे मॉडल में। और जो हमारा स्मॉल के है वो नंबर ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल इन पर्टिकुलर इक्वेशन, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो केवल एक इक्वेशन जो कि तीन या दो के पार्ट होंगे उनमें से जो एक इक्वेशन उसमें एक्सोजीनियस वेरिएबल कितने हैं, और यम जो है वो नंबर ऑफ इंडोजीनियस वेरिएबल इन अ इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन नॉट इन द मॉडल। तो एंड वन, तो जब हमारा ये होगा तो हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये बताऊंगी मैं, कि कैसे कौन हमारा एक्सोजीनियस होगा कौन इंडोजीनियस होगा। तो यहाँ पे अगर के माइनस के एम माइनस वन ये वाला होगा इक्वल टू आ जाएगा तो इक्वेशन हमारा जस्ट आइडेंटिफाइड हो जाएगा, और अगर ये ग्रेटर देन हो जाएगा तो
ओवर आइडेंटिफाइड हो जाएगा, अगर ये लेस देन हो जाएगा तो अंडर आइडेंटिफाइड हो जाएगा। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे और हम बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये यहाँ पे यही बताया है कि यम नंबर ऑफ इंडोजीनियस वेरिएबल इन द मॉडल है कैपिटल यम, स्मॉल यम नंबर ऑफ इंडोजीनियस वेरिएबल गिवन इक्वेशन है, के नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड और एक्सोजीनियस वेरिएबल इन द मॉडल इंक्लूडिंग द इंटरसेप्टम एंड नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल इन अ गिवन इक्वेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमारा हो गया फंक्शन का। तो हम इसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि पता चले, ठीक। तो ये डिमांड फंक्शन दिया है अल्फ़ा जीरो अल्फ़ा वन पी टी यू एन टी, क्यू टी दिया है बीटा जीरो बी वन पी टी और यू। तो पी टी और पी टी देखिए दोनों इक्वेशन में है, तो एंडोजीनियस का मतलब होता है डिटरमाइंड विद इन मॉडल, तो विद इन मॉडल है तो ये हमारा हो जाएगा एंडोजीनियस। और यहाँ पे हमारा P और Q जो है वो एक्सोजीनियस है। प्राइस और क्वांटिटी एक्सोजीनियस, तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ डिमांड दोनों ही हमारा एक्सोजीनियस है। तो पर ये एक्सोजीनियस नहीं इंडोजीनियस है, प्राइस तो मैंने बोला है कि इंडोजीनियस है, क्वांटिटी भी इंडोजीनियस है। तो यहाँ पे और नहीं एक्सोजीनियस का कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये आइडेंटिफाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, देखते हैं क्यू टी डी इक्वल्स टू अल्फ़ा जीरो अल्फ़ा वन पी टी प्लस आई टू यू वन टी, और यहाँ पे पी टी ये सब है। तो हमारा जो पी टी और क्वांटिटी है ये इंडोजीनियस वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि ये डिटरमाइंड विद इन द मॉडल है, और ये लैग्ड वाला तो पक्का प्रीडिटरमाइंड होता है जो कि हमारा एक्सोजीनियस में आ जाएगा। और ये आईटी इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा बाहर से डिटरमाइंड होता है। तो दो हमारे जो है एक्सोजीनियस वेरिएबल हो गए, दो हमारे एक्सोजीनियस हो गए आईटी एंड पीटी माइनस वन लैग्ड वैल्यू, और इंडो हो गया हमारा पीटी और क्वांटिटी। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं के माइनस के इक्वल्स टू या माइनस वन, तो हम लेंगे कैपिटल के हो जाएगा टू क्योंकि वो पूरे मॉडल में है हमारा। और स्मॉल के अगर हम कौन से इक्वेशन को देखते हैं, फर्स्ट वाले को देखते हैं तो यहाँ पे वन आ जाएगा, आई टी वन है, और नंबर ऑफ इंडोजीनियस वेरिएबल हमारा जो है यहाँ पे दो है, तो दो माइनस वन वन इक्वल्स टू वन, तो मॉडल इज जस्ट आइडेंटिफाइड, ये हमारा जस्ट आइडेंटिफाइड हो गया। अब हम सेकेंड वाले पे चलते हैं, सेकेंड वाला है क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखते हैं क्वांटिटी डिमांड फंक्शन दिया है अल्फ़ा जीरो प्लस अल्फ़ा वन पी टी अल्फ़ा टू आई टी प्लस अल्फ़ा थ्री आर टी प्लस यू वन टी। सप्लाई फंक्शन दिया है उसी तरह बीटा जीरो प्लस बीटा वन पी टी प्लस बीटा टू पी टी माइनस वन यू टू टी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने इंडोजीनियस है और कितने एक्सोजीनियस। तो क्वांटिटी हमारा इंडोजीनियस हो गया एक, पी टी हमारा इंडोजीनियस हो गया, आई टी हमारा एक्सो हो गया, पी टी माइनस वन भी एक्सो हो गया, ये आर टी, आर टी जो है ये भी हमारा एक्सोजीनियस हो गया क्योंकि आर टी और कहीं नहीं है मॉडल में, इसका मतलब ये आउटसाइड द मॉडल डिटरमाइंड होगा। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, ये हमारा इंडो हो गया, ये हमारा एक्सो हो गया, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं कि ये डिटरमाइंड है या जस्ट है या ओवर आइडेंटिफाइड है, तो हम लेंगे ये हमारा जो फार्मूला है इस के माइनस के इक्वल्स टू यम माइनस वन। तो इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे हम, ये एक बात ध्यान रखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट होगा तो उसके लिए दूसरा आएगा, इक्वेशन सेकंड आएगा तो उसके लिए दूसरा आएगा, क्योंकि ये तो सेम रहेगा के का, लेकिन ये स्मॉल के जिस इक्वेशन को लेंगे उस इक्वेशन का एक्सोजीनियस होगा, और ये यम उसी जिस इक्वेशन को लेंगे उसी इक्वेशन का इंडो होगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं तो हम इसको देखते हैं, तो हमारा जो है नंबर ऑफ एक्सोजीनियस पूरे मॉडल में तीन है, और इसमें एक्सोजीनियस वेरिएबल एक आई टी हो गया, आर टी दो हो गया, और नंबर ऑफ इंडोजीनियस वेरिएबल इसमें है क्वांटिटी है पी टी है, ये दो हो गया, ये माइनस वन, तो वन एंड वन ये भी हमारा एग्जैक्टली
आइडेंटिफाइड हो गया, ये इक्वेशन भी हमारा एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हो गया। ये देखिए यहाँ पे नोटबुक में भी दिया है ऑर्डर कंडीशन इज जस्ट एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। अगर हम यही पे एक लैग्ड वैल्यू ऐड कर देंगे यहाँ पे, जैसे पी टी माइनस वन या आई टी माइनस वन, तो हो जाएगा ओवर आइडेंटिफाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये अब ऑर्डर कंडीशन के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है ऑर्डर कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशियंट कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये पूछता है पेपर में, ऑर्डर कंडीशन इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशियंट कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन। और जो रैंक कंडीशन इज नेसेसरी बट नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन होता है। दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ऑर्डर कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशियंट कंडीशन और रैंक कंडीशन इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन। इफ देयर इज साइमल्टेनियस प्रॉब्लम वी अप्लाई ओएलएस एंड एस्टिमेटर आर बायस एंड इनकंसिस्टेंट। मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही समझाई थी लास्ट वीडियो में। और अगर हमारा ये प्रॉब्लम होता है साइमल्टेनियस प्रॉब्लम का कि बायस और इनकंसिस्टेंट होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम टू एस एल एस टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। ये मैं मेथड्स में समझाऊंगी इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल को भी। और फॉर द साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम वी यूज हॉसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि साइमल्टेनियस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं। ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बट पूछ लेता है कभी कभी। तो हम इसके आगे जो है कि आज के वीडियो में को यही ख़त्म करते हैं। लास्ट इसके आगे वाले में हम रैंक कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बाद मेथड्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।